टी20 क्रिकेट में अक्सर ये कहा जाता है कि मैच वही टीम जीतती है जिनके पास ज्यादा इन फॉर्म खिलाड़ी होते हैं। हार हमेशा उस टीम की होती है जहां पर खिलाड़ियों के नाम तो बड़े होते हैं लेकिन दर्शन छोटे होते हैं। आज BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान किया, उस टीम इंडिया का ऐलान किया जो अमेरिका और कैरेबियाई आइलैंड्स में टी20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के लिए खेलेगी। उस टीम के बहुत सारे खिलाड़ी आज IPL में खेलते हुए नजर आए। बात चाहे रोहित शर्मा की करें, सूर्य कुमार यादव की करें या फिर हार्दिक पंड्या की, इनके करंट फॉर्म को देखकर इनकी IPL फ्रेंचाइज यानी कि मुंबई इंडियंस को तो डर लग ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा तनाव भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को हो रहा है। जी हाँ, ये तीनों ही खिलाड़ी फॉर्म से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने IPL में एक शतक जड़ा लेकिन वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए, और जिस दिन टी20 वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान हुआ उस दिन भी रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। रोहित के अलावा सूर्य कुमार यादव जो इस IPL में हॉट एंड कोल्ड यानी कि अच्छा और बुरा दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका बल्ला भी खामोश है। हार्दिक पंड्या की बॉलिंग फिटनेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और बैटिंग में वो क्या कुछ कर रहे हैं ये आप और हम लगातार देख रहे हैं। आज के मुकाबले में रोहित, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पंड्या ने क्या कुछ किया, सबसे पहले वो देख लीजिए। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से आज खेलते हुए उन्होंने 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव टी20 इंटरनेशनल्स के नंबर 1 खिलाड़ी, उनका भी बल्ला नहीं चला। सूर्य कुमार यादव ने 6 गेंदों पर 10 रन की पारी खेली, अपनी पारी में सिर्फ 1 सिक्स उन्होंने जड़ा और उनका स्ट्राइक रेट था 166.67 का। इसके अलावा हार्दिक पंड्या के बारे में क्या ही कहें, हार्दिक पंड्या का फॉर्म है कि आ ही नहीं रहा। जब से मुंबई इंडियंस के कप्तान बनाए गए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट खेलना भूल ही गए हैं। आज तो वो पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। टॉस के वक्त वो ये जरूर कह रहे थे कि हमारे लिए हर मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस लिहाज का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। इसके अलावा भी मुंबई इंडियंस के दूसरे प्लेयर्स ने कुछ खास कमाल नहीं किया और इस मुकाबले को देखकर अब ये लग रहा है कि LSG बड़ी आसानी से इस मैच को अपने नाम कर लेगी। भले ही LSG इस मैच को जीत जाए लेकिन इंडियन टीम के सिलेक्टर्स, इंडियन टीम के फैंस की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके का प्रदर्शन ये सीनियर खिलाड़ी कर रहे हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि ये भारतीय टीम अगर समय में फॉर्म में नहीं लौटी तो टी20 वर्ल्ड कप जीतना तो छोड़िए, सेमीफाइनल में भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा।